signature pan masala. The taste of victory. आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज, सच के साथ लगातार। नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एडीआई न्यूज सब के साथ लगातार। लखनऊ की मुख्य खबरें विस्तार के साथ। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं महाविद्यालय लखनऊ भ्रष्टाचार का उजागर करने से कुछ होकर कथित अध्यक्ष पर एक तरफा कार्यवाही करते हुए चुनाव निरस्त किया। संगठन का अध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष के बिना मर्जी के चुनाव की घोषणा की, जिसका प्रमाण गजट मौजूद है। प्रधानाचार्य की इस तानाशाही के खिलाफ आज अनिश्चितकालीन धरना देकर प्रधानाचार्य के विरुद्ध आवाज उठाकर न्याय हेतु सरकार से मांग कर रहा है कि संगठन को बरकरार रखा जाए और साजिशकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय उचित कार्यवाही हो। एडीआई न्यूज लखनऊ। जब एक साल से अधिक समय हो गया चुनाव नहीं हुए तो सारे कर्मचारियों ने लिख करके दिया कि एक साल से अधिक समय हो चुका है, इनका समय समाप्त हो चुका है, चुनाव कराए जाने चाहिए। तत्कालीन प्रधानाचार्य ने उसके ऊपर चुनाव के आदेश दिए। एक प्रश्न मेरा है इसी पर आपसे कि क्या आपको ये पता है कि चुनाव कराने के संबंध में क्या नियम है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के क्या रूल्स रेगुलेशन है? जब इनका कोई पता है इसके संबंध में जी, जो भी इकाई होती है, जो भी संगठन होता है, उनकी तरफ से पत्र आता है या कर्मचारियों की तरफ से पत्र आता है, जो भी उसके सदस्य होते हैं उनकी तरफ से पत्र आता है। तो चाहे प्रदेश स्तर का होता है चुनाव, तो निदेशक के पास अधिकार है कि उसको निष्पक्ष चुनाव हो, और किसी यूनिट का चुनाव होता है तो जहां का डीओ हो या प्राचार्य हो वो उस निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए कार्रवाई करता है। एक जनहित से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिसिन में इस वित्तीय वर्ष में आपको कितना बजट मेडिसिन क्रय के लिए अलॉट हुआ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से? मुझको शायद 18 लाख रुपए मिला है। 18 लाख। आपने कितना स्पेंड किया है इस पर? सब हो गया स्पेंड, दवा आ रही है, कुछ आ चुकी है, कुछ आ रही है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आज टिल टुडे तक कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं जिनको मेडिसिन वितरित की गई है? इसका एक आखिरी फिगर होगा आपके पास? नहीं तो इस तरह से ये तो आप बता सकते हैं? नहीं नहीं बता ये सकते। तो आपके लिए संभव है? नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर में आखिरी फिगर आपके पास होगा वो बता सकते हैं? वो लेकर के देखिए बता पाएंगे ना, इस समय हम आपको एकदम से थोड़ा ना, तो मंगवा लीजिए हमको बैठे हुए। पिछले जनवरी 2018 से और दिसंबर 2031 दिसंबर 2018 की जो फिगर होगी वो आपको मिल जाएंगे। राजकीय आर्य कॉलेज का दर्पण अध्यक्ष हूँ, वही से धरना बैठा हुआ हूँ। मैं 6 साल से लगातार मैं जुटता आ रहा हूँ, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल साहब ने कहा अधिकारी जो डॉक्टर ऐसे बेदार थे, उनके गडकरी साहब उनकी बदमाशी से वो अपनी बंबई से इलेक्शन करा के अपने आप अध्यक्ष बैठे हैं। उनका ये कहना है कि इलेक्शन जो है हमने नहीं कराया है, उसका निश्चित हो चुका है, 6 साल से आचार संहिता लागू हो चुकी है, तभी आप करने रुके हुए हैं। बड़ा देखी रहे हमको जब तक लिखित में आदेश नहीं मिलेगा तब तक लिखित में आदेश है कि हम खत्म होते हो ये चीज़ आचार महोदय हमको आदेश करें कि आगे आने वाले समय इलेक्शन में आप भी प्रत्याशी हो सकते हैं। उन्होंने परसों रखो इस तरह ऐसा है कि मैं और मेरे कर्मचारी वो डाल सकते हैं, उनका बिल्कुल याद कर सकते हैं। जो इसका क्या लिखित दिया है? कुछ नहीं दिया, लेकिन यही मांग रहे हैं हमको लिखित नहीं दिया। अभी उधर दूसरे पर उन्होंने बताया कि इलेक्शन जो है वो वैंशिक हो गया आचार संहिता लागू होने के बाद, अब उसके बाद नई तारीख दी जाएगी, अभी कोई तारीख इसलिए नहीं की गई। वो तो ये स्पष्ट करें कि एलोपैथ को हटाया कि साथी में रखा है, क्योंकि डीटीओ पावर एक ही है, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में हम कर्मचारी हैं वो भी डिपार्टमेंट इनके अंडर में आता है, लेकिन इनका कहना है कि आप लोग इलेक्शन में वोट नहीं डाल